नमस्कार आदाओ सीकाल मैं हूं कपिल का काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ़ हिंदू एंड रिपोर्टर सोर्सेज काफ़ी वेट करने के बाद आप सभी के सामने एक बार फिर से मुखातिब होते हुए ओके अरे भाई सीधा हो जा फ़ोन एक तो फ़ोन का ऑटो रोटेट जब ऑन हो जाए ना सीधा नहीं होता फोन ओके okay. लो जी आ गए बोल लिया बोल लिया अरे वो फोन आ गया था फोन फिर गया ठीक है स्टार्ट करें सेशन को ओके <coughs> सो okay. so, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास उम्मीद करता हूं आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं बस इसी तरह से फॉलो करते रहेगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे सेशन थर्टी अप्रैल दो हजार इक्कीस काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली बार जुड़े होंगे उन सभी के लिए ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस टेलीग्राम चैनल को ये टेलीग्राम चैनल एट द रेट के कार्ट पाल इसको टेलीग्राम सर्च बुक्स में लिखेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा उम्मीद कर दो मेरी आवाज आपको आ, सही तरीके से सुनाई दे रही होगी राइट right, ओके okay, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है और फिर किसके यहाँ यहाँ बारिश हो रही है किसके यहाँ बारिश हो रही है हो रही है बढ़िया वाली ठीक है ये मेरी पूरी पूरी क्लासेस का शेड्यूल है आप इसको फॉलो कर सकते हो और रात को हमारी 10 बजे के MC क्लास होती है वो भी फ्री रहती है अनकैडमी अकेडमी स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पे रात को 10 बजे आपको आना भूलना नहीं है उस क्लास में अगर कोई क्लास को लॉक करने अनलॉक करने के लिए कोड पूछे तो एन लगा लेना और बाकी मेरी एन अकेडमी प्लस पे भी क्लासेस चल रही हैं कल हमारा है सैटरडे तो कल हमारी होगी कौन सी रिवीजन क्लास कल हमारी सुबह आठ बजे एक रिवीजन क्लास होगी और संडे को ये हंड्रेड एम सी उसका टेस्ट बहुत ही शानदार टेस्ट होता है ये मैं आपको लिंक आज टेलीग्राम पे दे दूंगा क्लिक करके एनरोल कर लीजिएगा स्टार्ट करें सेशन को ओके कहा पर बारिश नहीं हो रही आपके वहां जाओ मेरे बहुत मस्त बारिश हो रही है मैं बस भीग कर ही ऑलमोस्ट भीगा हुआ था आया हूँ इतनी ज्यादा तेज भी नहीं है मतलब पहले जब स्टार्ट हुई थी तो तेज थी अब ओके okay हो गया परफेक्ट हो गया ठीक है स्टार्ट करें सो फर्स्ट न्यूज हमारे सामने आई है दैट हैज कम फ्रॉम द एसबीआई ओके एसबीआई से न्यूज आई है एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है इट्स सेकंड इंडेक्स फंड एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ओके सो ये आपका लॉन्च किया गया है खैर इस तरह के जो फंड हैं ये आपके लॉन्च होते रहते हैं आए ना आए दिन ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला फंड है या कुछ खास है कुछ खास बात तो खैर होगी बट ऐसा कुछ नहीं है कि पहला फंड है पहले भी ऐसा फंड वंड हुए हैं ऑर्गेनाइज बट यहां पर कुछ चीजें आपको बताना जरूरी था ओके okay, सो so वो चीजें अब आप आपके सामने लेकर आया हूं ध्यान से सुनना इस न्यूज को बहुत सारी टर्म्स आपको समझ में आएंगी आज नहीं वाली राइट right, पहली चीज ये न्यूज समझते हैं एस के म्यूचुअल फंड ने एस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है एस निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी इंडेक्स फंड को ओके निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को यहां पर इशू किया गया है एंड दैट इज एन ओपन एंडेड इंडेक्स स्कीम इट इज एन ओपन एंडेड इंडेक्स स्कीम इट इज द सेकंड इंडेक्स फंड ऑफ द एसबीएम म्यूचुअल फंड सो दिस इज द सेकंड वन ऑलरेडी ये आपका इश्यू कर चुके हैं एस बी निफ्टी इंडेक्स फंड अंडर द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कैटेगरी ओके सो यहाँ पर एक और टर्म हमारे सामने दैट इज द एक्सचेंज

कहां से शुरू करें हम शुरू करते हैं आपका म्यूचुअल फंड खैर म्यूचुअल फंड मैं बता चुका हूं म्यूचुअल फंड आपका होता है एक ऐसी कंपनी जो कि आपसे पैसा ले लेती है और पैसा लेकर आपके इन्वेस्टमेंट करती है इक्विटी मार्केट शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आपसे एक बिहाफ पर ये इन्वेस्टमेंट करती है और इनके लोग होते हैं वो सोच समझ के एक जगह इन्वेस्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलरली शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए तो ये बेनिफिश बेनिफिट देगा उनको राइट उनको कमीशन मिलता है ऑब्वियस अब वो भी चाहेंगे कमीशन उनको तभी मिलेगा जब आप प्रॉफिट कमा कर दोगे तो वो तो एक म्यूचुअल फंड कंपनी हुई आपकी ठीक है अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनी ने क्या लॉन्च किया है म्यूचुअल फंड कंपनी ने आपका लॉन्च किया है निफ्टी निफ्टी नेक्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स इंडेक्स को 50 को फंड यहां पर फिफ्टी के बाद एक वर्ड है इंडेक्स फंड इंडेक्स फंड क्या होते हैं देखो हमारे इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है कैपिटल मार्केट है शेयर मार्केट है ओके okay, ये सारी की सारी मार्केट एक ही तरह का नाम है एक ही बात है इसकी ठीक है ये सारी की सारी स्टॉक मार्केट होती है इसमें आपके दो जो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर आपकी ये ट्रेडिंग होती है जहाँ पर आदान प्रदान होता है चीज़ों का जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होती है शेयर्स की उनको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में दो तरीके के बहुत ही फेमस फेमस हैं एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दैट इज द बी एंड दी एन बी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको यहां पर रिप्रेजेंट करता है आपका सेंसेक्स इंडेक्स दैट इज द इंडेक्स विच इज मैनेज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज दी सेंसेक्स सेंसेक्स एस ई एन एस सेंसिटिव इंडेक्स इसका पूरा नाम होता है सेंसिटिव इंडेक्स अब ये जो इंडेक्स है इसमें क्या होता है इसमें बहुत ही मेजर हाई नेटवर्थ कह लीजिए ब्लू चुप कह लीजिए बहुत बड़ी कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सुपो लेवल पे है ऐसी टॉप तीस पर पार्ट बनती हैं सेंसेक्स का सेंसेक्स की वैल्यू जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं होती हुई आपने देखी होगी बहुत बार ऊपर हो रहा है हजार बढ़ रहा है पांच सौ गिर रहा है दो सौ बढ़ रहा है डेढ़ सौ गिर रहा है डेढ़ सौ बढ़ रहा है पांच सौ बढ़ रहा है यह बहुत बार आपने न्यूज में सुना होगा अब यहां पर वो जो इंडेक्स होता है वो इंडेक्स एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है उन टॉप थर्टी कंपनीज के शेयर्स को उन टॉप थर्टी कंपनीज के शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है वो थर्टी जो स्टॉक्स हैं उनका एक इंडेक्स दैट इज नोन एज दी सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स अब देखो ये टॉप थर्टी कंपनीज ही है इसमें आई इस इंडेक्स में आई के okay, और इन्होंने यहां पर देखा कि पूरी की पूरी जो इकोनॉमी अराउंड इन थर्टी कंपनीज के ही घूमती है क्योंकि बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं ये कंपनीज हमारी जीडीपी के लिए हमारी इकोनॉमी के लिए तो इसलिए इस सेंसेक्स इंडेक्स को बहुत ही एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है एज फार एज अवर स्टॉक मार्केट इज कंसर्न इसका मतलब ये नहीं है कि सेंसेक्स ही पूरा को पूरा होल्ड करता है हमारी स्टॉक मार्केट को इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट सेंसेक्स इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक मारे इट इज नॉट कि होल पूरा पूरा रामायण बाइबल गीता कुरान ये सब यही है नहीं इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो कि अलग अलग स्टॉक को रिप्रेजेंट करते हैं अब आखिरकार ये स्टॉक मार्केट में स्टॉक शेयर्स तो बिक रहे हैं अब इस इंडेक्स की जरूरत क्या आन पड़ी इस इंडेक्स की जरूरत इसलिए आन पड़ी कि एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए मार्केट का कि हाँ भाई ये सामने दिख रहा है इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो मार्केट किस तरह मुँह पर मार्केट बढ़िया चल रही है मार्केट डाउन चल रही है

उस इंडेक्स अब आप एक और चीज समझो उससे पहले कि मैं अगर किसी भी सेंसेक्स को खरीदना चाहूं या मैं निफ्टी फिफ्टी को खरीदना चाहूं तो मैं नहीं खरीद सकता ठीक है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे या तो उनमें से जो स्टॉक्स हैं उन, उन जो फिफ्टी निफ्टी फिफ्टी में फिफ्टी स्टॉक्स हैं उनका थोड़ा 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 अपना पैसा उसमें लगा दूं या फिर अब जाके एक एस बी अब जाकर नहीं पहले भी ऐसी सुविधा थी अब यहां पर एस बी आई म्यूचुअल फंड ने यह सुविधा प्रदान की है कि अगर अपना पैसा आप निफ्टी के फिफ्टी शेयर में लगाना चाहते हैं एक प्रकार से आप इंडेक्स में लगाना चाहते हैं तो आप हमें पैसा दीजिए एसबीआई म्यूचुअल फंड को एसबीआई म्यूचुअल फंड आपने मान लीजिए सौ रुपए लगाया तो उस सौ रुपए को आपका इंडेक्स में लगाएगी जिस तरह से इंडेक्स की वैल्यू ऊपर नीचे होगी वैसे ही आपके सौ रुपए की वैल्यू भी ऊपर नीचे होगी तो एस बी आई म्यूचुअल फंड एक प्रकार से मीडिएटर का काम कर रहा है इंडेक्स फंड को परचेज करने में आज तक कभी कोई ऐसे फंड होते नहीं थे आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में परचेजिंग सेलिंग करते थे एक सिंगल शेयर की आपने सौ रुपए है तो आपने दस दस रुपए दस शेयर में लगा दिए या बीस शेयर में जिस तरह से भी लगा दिए बट इस इंडेक्स फंड में आपको इंडेक्स फंड में पैसा लगाना है वो इंडेक्स फंड का पैसा जो है वो मूव ऑन करेगा जिस तरह से वो इंडेक्स मूव ऑन करेगा आप डायरेक्टली इंडेक्स फंड को नहीं खरीद ले हैं बट इनडायरेक्टली किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू आपने इंडेक्स फंड को खरीद रहे हैं ये एस बी आई म्यूचुअल फंड का इस न्यूज का कंसेप्ट है ठीक है इसमें नेक्स्ट टर्म आता है ओपन एंडेड इंडेक्स स्कीम ओपन एंडेड दो तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं एक होता है क्लोज एंडेड एक होता है ओपन एंडेड ओपन एंडेड जो स्कीम होती है या फिर ओपन एंडेड इंडेक्स स्कीम कह लीजिए ओपन एंडेड स्कीम कह लीजिए इसमें क्या होता है कि हमेशा ओपन रहता है सिंपल सी भाषा में देसी भाषा में बात करूँ तो हमेशा ओपन रहेगा आपको मार्केट में यह चीज़ अवेलेबल रहेगी ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग इसकी चलती रहती है किसी के पास है उसने खरीद लिया किसी के पास आ, किसी को चाहिए वो खरीद लिया प्राइस अप डाउन चलता रहता है इस इंडेक्स फंड का बट क्लोज एंडेड फंड में क्या होता है कुछ टाइम पीरियड के लिए वो ओपन होता है आप इसको कुछ टाइम पीरियड के लिए खरीद बेच सकते हो उसके बाद वो अवेलेबल नहीं होता

इसमें आपका जो फंड होता है यह भी आपका इक्वल टू दैट इंडेक्स होता है इक्वलन टू इंडेक्स होता है अगली स्लाइड पर ही चलता हूं आपको समझ में आ जाएगा देखो इंडेक्स फंड यहां पर लिखा हुआ है इंडेक्स फंड इज अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक ये तो हमने पढ़ लिया नीचे इंडेक्स पढ़ते हैं ईटीएफ आर अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स जस्ट लाइक द म्यूचुअल फंड्स ओके सो ई आपके बास्केट ऑफ स्टॉक्स एंड ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करते हैं आपके एक सेकंड यार आज मैंने ग्लम उल्टा पहन लिया क्या ओके okay, सो so यहां पर ये आपके स्टॉक एंड बॉन्ड्स की तरह काम करते हैं जस्ट लाइक द म्यूचुअल फंड विद द डिफरेंस दे कैन ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज जस्ट लाइक अ शेयर ये शेयर की तरह आपका स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किए जा सकते हैं देयर प्राइसेस फ्लक्चुएट थ्रू आउट द डे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ये आपका डिफरेंस हुआ इंडेक्स फंड जो है ये आपके स्टॉक एक्सचेंज में बाद में नहीं मिलेंगे आपको एक बार आपका मार्केट में आ गया लॉन्च हो गया उसके बाद ये आपको स्टॉक मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेंगे ये आपका म्यूचुअल फंड कंपनी ही देती है बट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है ये भी एक प्रकार से सिंपल फंडा वही है कि इसमें भी आपको इंडेक्स ही मिलेगा मान लीजिए निफ्टी फिफ्टी का आपका ईटीएफ आ गया इधर निफ्टी फिफ्टी का आपका इंडेक्स फंड आ गया तो निफ्टी फिफ्टी का जो इंडेक्स फंड है ये आपका ओपन हुआ और आप बाद में इसकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप इसको परचेस सेल नहीं कर पाएंगे बट यहां पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मान लो निफ्टी फिफ्टी का आ गया तो लेटर ऑन आप इसको यहां पर ट्रेड भी कर पाएंगे अगर आप चाहते हैं कि इसको सेल कर दिया आपने और कुछ परचेज करना है तो आप वो चीज करी जा सकती है अगर ये ईटीएफ के फॉर्म में आप इसको खरीदते हैं लास्ट लेटेस्ट लेटेस्ट तो नहीं कहूंगा एक बहुत ही फेमस हुआ था भारत 2020 ईटीएफ और भारत 2020 ट्वेंटी बॉन्ड ईटीएफ स्कीम आपकी काफी पहले ये फेमस हुई थी चर्चा में रही थी ये दोनों के दोनों आपके ईटीएफ एंड द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हुए और ये आपकी हुई पूरी पूरी दो लाइंस प्लस एक वर्ड उम्मीद करता हूं जो मैंने लास्ट पांच से सात मिनट में आपको पिछली भाषण सुनाया है जो दो लाइंस और एक वर्ड का ये आपको समझ में आ गया होगा ओके okay, सो so ये हमारी कंप्लीट हुई एक्सप्लेनेशन दो लाइन और एक वर्ड की अब आप दोबारा से पढ़ लो इस लाइन को एसबीआई म्यूचुअल फंड लॉन्च एस बी आई निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी इंडेक्स फंड एन ओपन एंडेड इंडेक्स स्कीम इट इज द सेकेंड इंडेक्स फंड ऑफ एस बी आई म्यूचुअल फंड एज इट ऑलरेडी हैज अ निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स फंड अंडर द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कैटेगरी पहले जब पढ़ा था नहीं समझ में आ रहा था अब जब पढ़ा तो समझ में आ गया होगा नीचे बहुत चीजें लिखी हुई हैं ब्ला 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 ठीक है। इसको देख लेते हैं द स्कीम वुड अलाउ फॉर इन्वेस्टमेंट इन ऑल दी सिक्योरिटीज जितनी भी उसमें स्टॉक्स हैं आपके निफ्टी फिफ्टी में उन सभी को कवर किया जाएगा द इन्वेस्टमेंट कुड बी डन वीकली डेली वीकली मंथली क्वार्टरली सेमी एनुअल एनुअल एस आई पी एंड रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन इज अबाउट फाइव थाउजेंड यहां पर एस आई पी लिखी एस आई पी का फिल्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कि आप उसमें वीकली बेस पर भी पैसा डाल सकते हो डेली आपने पहले दिन क्या दिया मेरे डेली सौ रुपए जाएंगे मतलब डेली पांच हजार जाएंगे तो डेली पांच हजार जाएंगे आपने क्या दिया मंथली पांच हजार जाएंगे तो मंथली पांच हजार जाएंगे इस तरह से निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी द फ्लैगशिप इंडेक्स ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज कंप्लीटेड ट्वेंटी फाइव ईयर जर्नी ऑन बाईस अप्रैल दो हजार इक्कीस को हाल ही में इसके पचास वर्ष हो चुके हैं इसको सेटअप तो पच्चीस वर्ष हो चुके हैं इसको सेटअप हुएक्लूडिंग एंड द एन एस बी आई एम एफ बिकम द फर्स्ट म्यूचुअल फंड कंपनी टू क्रॉस दाइव लैख करोड़ एवरेज ए यूएम ये अभी हमने एक दो दिन पहले ही न्यूज पढ़ी थी ओके okay, ठीक है चलो आगे चलते हैं अब हम ये भी हमने समझ लिया है नीचे एस बी आई म्यूचुअल फंड के बारे में भी लिखा हुआ है ठीक है ओके क्लियर है बात क्लियर है एकदम ओके है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ठीक है बढ़िया बात है नहीं है तो होनी भी नहीं चाहिए चलो आगे चलते हैं अगली न्यूज आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स की है बैंक के एमडी एंड सीईओ का टेन्योर एट 15 इयर्स अपर इज लिमिटेड एट 70 इयर्स ओके सो यहां पर आपका इन्होंने यहां पर किया है आर ने फिक्स किया है बैंक का एमडी एंड सीईओ टेन ईयर एट फिफ्टीन ईयर कोई लोग पूछ रहे हैं सर एक बार दोबारा समझा दो दोबारा समझाने का मतलब यह होता है कि आप ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे आप ऑफलाइन मेरे से पढ़ रहे हो मेरे घर पे आकर आप पढ़ रहे हो तब आप समझ आती है कि क्योंकि सर उसके बाद अवेलेबल नहीं रहेंगे अब सर आपके इतनी बार अवेलेबल रहेंगे इस चैनल पे कि आप शायद तब अपने बच्चों को भी कहेंगे कि मैंने 30 अप्रैल 2021 को सर की क्लास देखी थी जिसमें मैंने ई के बारे में या मैंने इंडेक्स फंड के बारे में सीखा था ज उनके यूट्यूब चैनल पे वो आज भी डेट में भी अवेलेबल है वो क्लास ठीक है तो ये क्लास तब तक अवेलेबल रहेगी तुम्हारे बच्चों के लिए भी तो तब आप तक तब तक आप पता नहीं कितनी बार इस क्लास को देख सकते हो और आपके बच्चे भी देख सकते हैं तो इसलिए लाइव क्लास या फिर यूट्यूब पर जो क्लास चल रही है ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उसको दोबारा समझाने की क्या जरूरत है मैं समझाऊंगा दोबारा वही चीज बताऊंगा है ना तो इट्स बेटर कि उस चीज का दोबारा सुन लो यार रिपीट मोड में जाके क्लास अवेलेबल ही रहेगी है ना पोतों के लिए अवेलेबल रहेगी पोतियों के लिए अवेलेबल रहेगी बेटियों के लिए अवेलेबल रहेगी ठीक है सुन लेना उनको भी सुना देना कहीं नहीं जा रहा है यूट्यूब चैनल ये वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू इट्स सर्कुलर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंक्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटीज ऑफ द बोर्ड ईयर्स पंद्रह 15 15 साल यहां पर इन्होंने फिक्स कर दिए एज फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड दी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एम डी एंड सी ओ जो होते हैं हमारे बैंक के होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं कुछ दिन पहले आपकी एक न्यूज आई थी याद होगा आपको डायरेक्टर से रिलेटेड एक न्यूज आई थी याद है याद अप्रैल में एक न्यूज आई थी उसमें आपको याद होगा मैंने डायरेक्टर्स टाइप ऑफ डायरेक्टर बताए थे ये टाइप ऑफ डायरेक्टर ये होता है ये टाइप ऑफ जब मर्जिंग की बात हुई थी कि भाई साहब सीओ है सेम होने चाहिए ऐसा कुछ चेयरमैन सेम होने चाहिए ना तो वही चीज यहां पर है टू होल्ड देयर पोस्ट इन बैंक्स ये पंद्रह साल का यहां पर इन्होंने कर रखा है राइट ओके सो आरबीएन इंस्ट्रक्शन आर मीड फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक होली ऑन सब्सिडी फॉरेन बैंक्स जो फॉरेन बैंक्स है उनकी इंडिया में सब्सिडरी है राइट right, उनके लिए अवेलेबल है एप्लीकेबल है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए एप्लीकेबल है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए एप्लीकेबल है इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं दोनों के लिए यहां पर दैट इज द टेन्योर टेन्योर यहां पर दिया गया है आपका री अपॉइंटमेंट, इन द सेम बैंक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर एलिजिबल हैं, बट तीन साल के बाद एलिजिबल हैं। एक बार उनका पंद्रह साल का टेन्योर कंप्लीट हो गया उसके बाद तीन साल बाद फिर से एलिजिबल हो सकते हैं इन दी थ्री इयर्स देअ शुड नॉट बी अपॉइंटेड एसोसिएटेड विद द बैंक किसी भी तरह के बैंक्स के साथ वो एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए टेन्योअर फॉर एम डी एंड सी और डब्ल्यू टी डी हु इज अ प्रोमोटर एन द मेजर शेयर होल्डर उस बैंक में उसका हिस्सा है काफी ज्यादा तो वो बारह साल का बीच में गैप होना चाहिए ठीक है और अपर एज लिमिट सत्तर साल कर दी गई है ओके सो ये आपका पंद्रह साल मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ईयर पूछेंगे पंद्रह साल है पंद्रह साल बाद कितने साल का गैप होना चाहिए तीन साल का गैप बारह साल का गैप अगर ये कंडीशन में जो भी आपकी फुलफिल होती है ठीक है और अपर एज लिमिट सेवेंटी ईयर्स है बैंक फ्री टू प्रिस्क्राइब लोअर रिटायरमेंट एज के ऊपर रखा गया है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रीअपॉइंटमेंट आपके इनको आठ साल के लिए रखा जा सकता है मैक्स टू मैक्स एलिजिबल आफ्टर गैप ऑफ थ्री ईयर रेमुनेशन नॉट मोर देन ट्वेंटी लैख पर एन एम इनकी नहीं हो सकती उससे ज्यादा एंड अपर एज लिमिट जो है वो सेवेंटी फाइव ईयर आपकी हो सकती है अब इसमें अगर एग्जामिनर मैं होता तो आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछता आपसे क्वेश्चन मैं पूछता वट इज गैप ऑफ ईयर फॉर द एमडी एंड सीओ और दब्ल्यू टी डी हु इज ऑल्सो ए प्रमोटर मेजर शेयर होल्डर अब यहां पर मैं गैप पूछ रहा हूं गैप का आंसर क्या था बारह साल का गैप होने वाला है बट यहां पर एम डैम श्योर एट्टी परसेंट जनता को क्लिक करके आएगी वो पंद्रह साल ही क्लिक करके आएगी क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ इस पर पढ़ा था इस पर ध्यान दिया था कि पंद्रह साल है उसने अंदर तो ध्यान ही नहीं दिया था कि क्वेश्चन गैप का है आप आंसर पंद्रह साल कर रहे हो क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं पड़ेगा अभी तो मैंने जिस लाइव क्लास में ना क्वेश्चन इतने अच्छे से फ्रेम नहीं किया मैं क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम करता कि केवल और केवल एक वर्ड का डिफरेंस होता इस क्वेश्चन में जिसमें पंद्रह साल पूछ सकते हैं ठीक है और इस क्वेश्चन में जिसमें बारह साल पूछ सकते हैं दोनों में सिर्फ एक वर्ड का फर्क होता है और वो गैप लिखा होता और आप क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाते और आप में से अस्सी सत्तर से अस्सी परसेंट लोग पंद्रह साल क्लिक करके आते हैं। आते हुए क्वेश्चन को आप गलत कराते हो आता हुआ क्वेश्चन होता है बाहर आगे इतना खुश होते हो कि हाँ यार मेरा क्वेश्चन सही हो गया बट सही नहीं हुआ आप 12 साल की बजाय 15 साल टिक करके आए हो सही कहां से होगा एक नंबर नहीं गया सवा नंबर 1.25 नंबर चला गया ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान से जब भी एमसीक्यू के क्वेश्चन को पढ़ा करो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो अच्छे से पढ़ा करो इतनी बात कहने के बाद मुझे यह भी मालूम है रात की जब एमसीक्यू क्लास होगी ना तब भी यही गलती होने वाली है आपके से ठीक है तब भी वहां पर गलतियां करोगे आप आगे चलते हैं रेगुलेशन ओवर द कमेटी ऑफ दी बोर्ड सो यहाँ पर आपका कुछ कमेटी बोर्ड मेंबर की बात कर रहे हैं पढ़ लेना कितना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जस्ट ऐसे ही दिया हुआ है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कुछ मेजर मुझे लगा नहीं कुछ इंपॉर्टेंट सा आर के बारे में नीचे लिखा हुआ है राइट चलिए नेक्स्ट चलते हैं uh, मैं एग्जामिनर होता तो अच्छी बात है तुम्हें पहले ही क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं ये पूछूंगा उल्टा अच्छी बात है लो ये रिसेंट आर के इवेंट जितने हुए हैं एक साथ ठीक है अगली न्यूज है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक तरफ से ओके okay, दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी में जो सरसों का खेत आया था ओके टन 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 टिन टन सनम अब यहां से कहा जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम तुझे देखा तो ये जाना सनम ओके okay. सो so, यहां पर आपका गवर्नमेंट टारगेट सत्रह मिलियन टन सो मस्टर्ड प्रोडक्शन बाय 2025 26 ओके सो okay. so, गवर्नमेंट ने यहां पर आपका टारगेट किया है 17 मिलियन टन, टारगेट 17 मिलियन टन ऑफ मस्टर्ड प्रोडक्शन बाय 2025-26. ओके सो यहां पर आपका इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग नाइन मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड नाइन मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अंडर मस्टर्ड कल्टीवेशन एंड रेज मस्टर्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी टू अराउंड सत्रह मिलियन टन बाय 2025 हजार पच्चीस छब्बीस सत्रह मिलियन टन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ईयर पूछा जा सकता है यहां पर इन्होंने टारगेट रखा है सेवन पॉइंट फाइव एट मिलियन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया है यहां पर सरसों का तेल जो आप लोग बालों में लगाते हैं कौन कौन लगाता है भाई सरसों का तेल बालों में हाथ खड़े करो मैं अब नहीं लगाता कर स्कूल में मैं लगा कर जाता था सरसों का तेल बालों में वो चिपकू वाले बच्चे नहीं होते वो ऐसे करके ऐसे करके वो वालों में से मैं था ठीक है तो वो सरसों का तेल लगा के जाता था मैं भी स्कूल में तो उम्मीद करता तो हूँ आप में से भी बहुत सारे लोग आज की डेट में भी सरसों का तेल लगा के जाते थे ठीक है ओके सो ये है आपका आ... सत्रह मिलियन टन बाय दो हजार पच्चीस छब्बीस फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी गवर्नमेंट है टारगेट ऑफ कवरिंग एंड मच ऑफ हेक्टेयर इंडिया इज वन ऑफ द मेजर सीड्स ग्रोवर एंड इम्पोर्टर ऑफ द आपका इंडिया इज दर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट आफ्टर द यूएस चाइना एंड द ब्राजील फोर्थ पे है आपका प्यारा भारत ओके okay. प्यारा भारत इंडिया हो गया ये तो यार इंडिया 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 ठीक है so, राजस्थान सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपके राजस्थान में होती है जो कि देश का टोटल चालीस दशमलव एट टू प्रतिशत यहां पर टोटल मस्टर्ड इंडिया में यहां पर ग्रो करता है ओके okay, सो so, यहां पर आपका चालीस पॉइंट एट टू प्रोडक्शन होती है यहां पर राजस्थान में और सबसे ज़्यादा मध्य मस्टर्ड की यहाँ पर राजस्थान में होती है मेरे खुद के एरिया में यहाँ पर सरसों खेत बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और मस्टर्ड इज़ अ रब्बी क्रॉप एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में मस्टर्ड कौन सी क्रॉप है ठीक है ऊपर वाले सारी लाइन छोड़ देंगे पूछ लेंगे भाई रब्बी मस्टर्ड कौन सी क्रॉप है ठीक है ओके चलो आगे चलते हैं हम ये न्यूज़ में समझ में ये हो गए बात मेरी यूएस एस चाइना एंड ब्राज़ील इंडिया ठीक है याद रखना है फोर्टी पॉइंट एट टू राजस्थान नंबर वन पे मस्टर्ड रबी है अगली न्यूज़ हमारे सामने आई है सबने मास्क पहने हुए हैं ठीक है मास्क पहने हुए सबसे जो बीच वाले पर्सन है थोड़े से मुझे एटीट्यूड में लग रहे हैं है ना ये सबसे सीनियर होंगे इनमें से जो बीच में सबसे खड़े हैं ठीक है और ये साथ में जो कंपनी होंगी जिन्होंने किया है ये ऑब्वियस मुझे लग रहा है आई आई वाले यही होंगे है ना ये इनसे एम करने आए हैं साइन में ये इनसे नीचे वाले पर्सन हैं ये आई आई टी घोटी वाले होंगे ये जो ऑफिस वाले होते हैं ऑफिस में आपके डेफिनेटली कोई ना कोई जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में होते थे उसमें से पक्का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में एक बंदा ऐसा होता था जो वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स हमेशा वही पहन के आता था है ना हमेशा हर एक स्कूल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ़िस में एक बंदा ऐसा पक्का होता था जिसका फिक्स होता था वो वाइट शर्ट ब्लू जीन्स पहन के आएगा नीचे उसके स्पोर्ट्स शूज़ होते थे और उसको बहुत स्ट्रिक्ट माना जाता था बहुत स्ट्रिक्ट होता था और उसको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी अलग से उसको रखा जाता था है ना वो जब मर्जी मिलता था आप घूम रहे हो आके आपको पूछता था भाई इधर उधर क्यों जा रहे हो तो ये वही इंसानों में से एक है ठीक है चलो आगे चलते हैं ये इनके सेक्रेटरी लग रहे हैं मुझे ये इनके सेक्रेटरी लग रहे हैं बिल्कुल पेन वैन उनका पास रेडी है सब कुछ ओके है बढ़िया तो आगे चलते हैं हम okay. ओके इन्होंने डबल मास्क पहन रखा है ये भी एक अच्छा पॉइंट है डबल मास्क पहन रखा है आई आई टी गुवाहाटी साइन एम ओ यू विद एफ आर आई आई टी गुवाहाटी ने साइन किया एम ओ यू विद द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे सो नॉर्थ ईस्ट रेलवे फ्रंटियर ने आई आई टी गुवाहाटी ने एम ओ यू साइन किया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने यहाँ पर आई आई टी गुहाटी के साथ एम ओ यू साइन किया है दिस इज द न्यूज फॉर द रिसर्च प्रोडेक्ट्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो कि रहेंगे ट्रेन रनिंग Maintenance and operation of train running in the region and other fields to make station plastic free IITG. प्लास्टिक फ्री आई विल बी प्रोवाइडिंग अल्टरनेट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बेस्ट टेक्नोलॉजी टू एनएफआर. ओके सो ये आपका प्लास्टिक फ्री आई के द्वारा यहां पर किया जाएगा आई एनएफआर के बीच में ये एनईएफआर के बीच में यहां पर टाई अप हुआ है रिसेंट इवेंट्स में आई खड़कपुर ने आई आई ने DRD ने भुवनेश्वर के साथ ये के जो रिसेंटली आपने देखने को मिले हैं राइट ओके चलो आगे चलते हैं यहाँ पर टीकाकरण ओके सो so, ये टीका लगाया जा रहा है ये किसी लड़के की बाजू है लड़की की नहीं है है ना आ, क्योंकि नाखून बहुत छोटे हैं इसके तो से लड़के की बाजू होगी ये और टीका बिल्कुल यहाँ पर लगाया जा रहा है मुझे एक चीज़ समझिए टीका ऐसे कैसे लगाया जा रहा है टीका तो ऐसे लगाते हैं ना मतलब कि और ये किसी इंग्लिश पर्सन का हाथ है क्योंकि इसके जो बाल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं आपको नहीं दिखा रहे होंगे ये थोड़े से हल्के भूरे कलर के हैं ठीक है इंडिया में ऐसे भूरे कलर के बाल नहीं देखने को मिलते ओके और ये है आपका WHO ने किया ग्लोबल इम्यूनाइेशन स्ट्रैटेजी से आपका डब्ल्यू एच ओ ने इनवील किया ग्लोबल इम्यूनाइजेशन स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू आपका पचास मिलियन लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है दो हजार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनवीड द ग्लोबल इम्यूनाइेशन स्ट्रैटेजी लेड बाय दूनाइटेड नेशन टू रीच अराउंड फिफ्टी मिलियन चिल्ड्रन हू मिस देयर वैक्सीनेशन अगेंस्ट मीजल्स येलो फीवर एंड दी डायपथीरिया तो यहां पर ग्लोबल इम्यूनाइजेशन स्ट्रैटेजी कोई भी कोविड से रिलेटेड नहीं है बट दिस स्ट्रेटेजी रिलेटेड द मीजल्स येलो फीवर एंड दी डेप्थीरिया ओके सो यहाँ पर पीला बुखार विजल्स और डेप्थीरिया से रिलेटेड है डब्ल्यू एच ओ ने इससे रिलेटेड एक स्ट्रेटेजी डिस्कस की है यहाँ पर अनवील की है डब्ल्यू एच ओ के साथ यहाँ पर मिला है मुलाकात हुई है यूनिसेफ की एंड में है वैक्सीन लाइन्स गावी इन्होंने कहा है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन स्ट्रैटेजी हैज ए पोटेंशियल इस जो स्ट्रेटी से इन्होंने, इन्होंने इनका मानना है कि पचास मिलियन लोगों की जिंदगी बच सकती है लिव्स इन लेस देन टेन ईयर्स टू सेव अराउंड फिफ्टी मिलियन टू अचीव नाइनटी परसेंट कवरेज असेंशियल चाइल्डहुड एडोलोजेंस बाई ट्वेंटी थर्टी तक इनको ये इम्यूनाइेशन uh, कर दिया जाएगा राइट ओके रिसेंट इवेंट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर पच्चीस कंट्रीज रेडिकेट किया मलेरिया बाई ट्वेंटी ट्वेंटी स्कीम डब्ल्यूएचओ सेलिब्रेटेड वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इन अप्रेल डब्बूएचओ रिलीज गाइडलाइंस गाइडलाइंसिस ओके एक इसमें एडिशनल फैक्ट नोट कर लेना ई 2025 आपका वर्ल्ड मलेरिया डे जिस दिन था ना उस दिन लॉन्च किया गया था वर्ल्ड मलेरिया डे जिस दिन था ना मतलब कल हमने एक न्यूज पढ़ी थी उसमें एक फैक्ट और था कि ये जो था वो वर्ल्ड मलेरिया डे के दिन लॉन्च किया गया था ठीक है ये फैक्ट था वर्ल्ड मलेरिया डे कब होता है वो आपको मालूम होगा नहीं पता तो मैं एक दो दिन में पूरे पूरे मंथ की डेज की क्लास लेने वाला हूं उसमें हम कर लेंगे चलो आगे चलते हैं हाँ ये है आपका स, हमारे सन्नी जी का टैंक जो उन्होंने बॉर्डर मूवी में यूज किया था ठीक है तो ये वही टैंक है सन्नी जी के द्वारा यूज किया हुआ जो पाकिस्तान से उन्होंने ले लिया था राइट पाकिस्तान से उन्होंने जब्त किया था और यहां पर इंडिया में लाकर खड़ा कर दिया था इन्होंने ये है इंडिया का थर्ड हाइएस्ट मिलिट्री स्पेंडर दो यूएस ने टॉप किया सिप्री रिपोर्ट ओके सिप्री रिपोर्ट आई है आ, ये आपकी जिसमें सबसे ज्यादा मिलिट्री स्पेंडर मतलब कि किसने सबसे ज्यादा खर्चा किया है उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राइट right, ओके okay, चलो आगे चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर ओहो अल्टीमेट गेम स्ट्रीमिंग ये लो सर आपके चर्ण, आपके चरणों में हमारी स्टूडेंट की तरफ से चालीस रुपए सुपर चैट की <laughs> अरे भाई मत किया करो वो ऐसे मेरे साथ नोटिफिकेशन आया था वो मैंने उस पर क्लिक करके वो ना देखते हैं ना वो गेमिंग वाले जो ऑन करके रखते सुपर चैट से मत किया करो मुझे नहीं चाहिए मैं ऑफ कर दूंगा उस दिन इनेबल हो गया उसके बाद ऑफ करना ही भूल गया उसको <laughs> मत किया करो प्लीज़ ठीक है सो so, नहीं तो करंट अफेयर्स कम होगी मुझे शाउट आउट क्या बोलते शूट आउट शूट आउट ज़्यादा देना पड़ेगा हैं शूट आउट टू दिस फोर्टी रुपीज ट्वेंटी रुपीज क्या यार? According to report, है यार अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इससे बढ़िया चालीस रुपए कहीं और इन्वेस्ट करो यार कहीं फूल फूल लेके दो गर्लफ्रेंड को है उसको काम आएंगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिल्ट्री एक्सपेंडिचर ट्वेंटी ट्वेंटी रिलीज बाय दिसक हॉम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया विदिली एक्सपेंडिचर ऑफ सेवेंटी टू पॉइंट नाइन बिलियन एंड ट्वेंटी थर्टी ओके सो यहां पर आपका सिप्री सिप्री क्या है स्टॉक ऑम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका ये और इसके द्वारा यहां पर आपका एक रिपोर्ट दी गई है और ये रिपोर्ट आपकी जो दी गई है इसमें आपका देखने को मिला है जिसने सबसे ज्यादा खर्चा किया है अपने मिलिट्री पे इंडिया यहां पर रहा है तीसरे स्थान पर विद सेवेंटी टू पॉइंट नाइन बिलियन डॉलर 2020 में खर्चा किया जो कि पूरे पूरे दुनिया का तीन दशमलव सात प्रतिशत शेयर है थ्री पॉइंट सेवन परसेंट शेयर है आपका ये यूनाइटेड स्टेट सबसे ज्यादा लेवल पे रहा है विद दिस मच ऑफ अमाउंट एंड चाइना यहां पर इतनी अमाउंट खर्च की है और इंडिया ने इतनी अमाउंट की है तीसरे स्थान पर रहा है और अगर मैं बात करूं उसके बाद यहां पर रशिया एंड दी रशिया एंड दी यूके आते हैं तो टोटल सबने मिलाकर अगर मैं टॉप तो फाइव कंट्रीज की ही बात करूं तो यहाँ पर ये सिक्सटी टू परसेंट हिस्सा इनका आता है ठीक है तो ये बाकी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं ये सारे ये पूरा का पूरा टेबल आपको याद करना है इस टेबल को नहीं छोड़ना है ये तो याद करना ही करना है यहाँ पर अलोंग विद दिस पेंडिंग क्या है ये चीज बाकी अगर पढ़ लेना चीजें वही लिखी हुई है जो नीचे लिखा हुआ है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चाइना के बारे में चाइना मिलिट्री स्पेंडिंग हैज इंक्रीज कंटिन्यूसली पिछले 26 सालों से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है कम देखने को नहीं मिला कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और ये किसी भी कंट्री के द्वारा ऐसा इतना लंबे समय तक इंक्रीज जो देखने को पहली बार मिल रहा है ठीक है ओके चलो आगे में चलते हैं प्रेसिडेंट रामनाथ गोविंद ने अपॉइंट किया जस्टिस राजेश बिंडल को एज द चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता कोर्ट के ही वा सक्सीड जगह लेंगे आपका थोता थिल भास्करन नारायण राधा कृष्णन की और उनकी जगह आएंगे आपके जस्टिस राजेश बिंदल अभी वैसे मुझे काफ़ी टाइम से काफ़ी टाइम से मतलब जब तक मुझे याद है लास्ट दो तीन सालों से मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा देखा नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जज वगैरह पूछे हैं बट कोई स्टेट का हाई कोर्ट का जज आज तक जो अपॉइंटमेंट बहुत होती हैं मतलब अगर एक साल की करंट अफेयर्स लगा के चलो तो जितने स्टेट्स हैं उनकी शायद दो दो बार या एक एक बार एटलीस्ट अपॉइंटमेंट हो चुकी होती है चीफ जस्टिस कभी उधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है कभी क्या हो रहा है अंटिल बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ना हुई हो उसके साथ ठीक है तब तक आज तक आए नहीं है बाकी चलो आ गया न्यूज में तो पढ़ लेते हैं ये चीज अगर फिर वही मैं एग्जामिनर होता है तो ये तो मैं पूछता ना मैं ये चीज पूछ लेता कि अपॉइंट कैसे किए जाते हैं कौन से आर्टिकल के अंडर किए जाते हैं आर्टिकल 223 के अंडर ये आपके किए जाते हैं आर्टिकल दो सौ तेईस ऑफ इंडिया के अंडर ये किए जाते है। है हैं चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम पेटीएम सील ऑफ ट्रस्ट वी केयर पेटीएम द डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला वीडियो बेस्ड वेल्थ कम्युनिटी फॉर द यूजर्स टू इंटरेक्ट विद्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स इन द लाइफ सेशन ऑन डिफरेंट वेल्थ टॉपिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्सचेंज ट्रेडिट फंडस म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स गोल्ड फिक्स्ड इनकम पर्सनल फाइनेंस मैंने अभी बताया म्यूचुअल फंड मैंने बताया आईपीओ में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको आईपीओ क्या होता है पहली बार कोई स्टॉक आपका मार्केट में आता है रही बात फ्यूचर एंड ऑप्शन की काफी टिपिकल सा टॉपिक है काफी नया सा टॉपिक है नया सा नहीं होगा जिन्होंने बैंकिंग में कर रही है उनको मैंने बताया हुआ फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है बहुत अच्छा टॉपिक है कभी अगर करंट अफेयर्स के टाइम में बहुत फुर्सत में बात होगी तो फ्यूचर और इन्शोरेंस के बारे में बताऊंगा नहीं तो भाई साहब वो फिर बैंकिंग वगैरह में आपको करना पड़ेगा उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है ठीक है और उसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ होगा मतलब कहने का बात यह है कि आप यहां पर इन सब चीजों के ऊपर पेटीएम के द्वारा एक इंट्रोड्यूस किया गया वीडियो बेस्ड वेल्थ कम्युनिटी जिसमें आप इन चीजों के बारे में किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं जो जानते हैं इनके बारे में उनसे आप पूछ सकते हो राय ले सकते हो और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो दिस पेटीएम वेल्थ कम्युनिटी जो कि पेटीएम वेल्थ कम्युनिटी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया विल बी ओन एंड ऑपरेटेड बाई दन नाइन सेवन कम्युनिकेशन लिमिटेड जो कि पेटीएम को ऑन करती है वही इसको ऑन कर रही है

चलो ये बताओ ये मूर्ति होती किसकी है मूर्ति किसकी है ऑस्कर में यही बता दो तुम 93 थ्री अकेडमी अवार्ड ऑस्कर ट्वेंटी ट्वेंटी वन केवल चार पेज में मैंने सिर्फ और सिर्फ चार पन्नों में इस पूरी की पूरी न्यूज को कवर कर दिया सिर्फ चार पन्ने लगे हैं और उम्मीद कर तो आप इसको याद भी कर पाओगे क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है हंड्रेड परसेंट आना है एस बी आई क्लर्क में डन है मेरी तरफ से एक क्वेश्चन इसमें से आएगा अब आपको एक नंबर चाहिए या नहीं चाहिए वो आपके ऊपर है ठीक है आप पूछोगे सर क्या क्या याद रखना है ये वाला पेज रट डालना है ये वाला पेज रट डालना है जो जो पॉइंट है इसमें पढ़ने ही पढ़ने हैं प्रियंका चोपड़ा निक जॉन्स जॉन्स में बोलता जौनस, जौनस, है जोनास जोनास जोनस निक जोनस प्रियंका चोपड़ा निक जोनस इन्होंने अनाउंस किया तो उनके नॉमिनेशंस को कहां पर हुआ है ये याद रखना है इसमें सबसे ज्यादा अवार्ड्स किसने जीते हैं ये याद रखना है मैं वैसे बता रहा हूं लिखा हुआ है सबसे ज्यादा अवार्ड्स किसने जीते हैं ये लिखना है ये सेकंड वीमन मनी जिसने ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता इसमें क्या लिखा है इसमें वार्ड वॉज प्रेजेंटेड ही बिकम ओल्डेस्ट पर्सन टू विन दिस ऑस्कर फॉर द बेस्ट एक्टर एंड दिस इज हर थर्ड अकेडमी अवार्ड फॉर एक्टिंग शी बिकम दी देंड वीमैन टू विन दिस थ्री बेस्टर ऑस्कर सो के नाम वाम याद रख लेना मैंने इफेक्ट बता दिया कि इस चीज की वजह से ये सब चीजें फेमस हुई हैं तो ये जो चार हैं ये तो इंपॉर्टेंट है उसके अलावा कैथरीन हेबन ने चार अवार्ड जीते बेस्ट एक्टर्स कैटेगरी में अब तक सबसे ज्यादा जीत चुकी हैं हेयर स्टाइलिस्ट बनी पहली ब्लैक महिला टू विन इन मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग में भानु अथैया एंड इरफान खान को एक ट्रिब्यूट प्रेजेंट किया गया इसी मौके पर राइट ओके चलिए फिर चालीस रुपये <सुरे. laughs> क्या कर रहे हो यार मत करो ऐसे प्लीज ओके क्लास के बीच में ओपन नहीं कर सकता प्लीज मत कर so, मुझे ओके सो okay, so, ये बेस्ट पिक्चर ये अवार्ड कैटेगरी विनर ठीक है ये सब है आपके अब इसमें से आप सोचोगे सर याद कौन कौन से करने है। देखो, हैं देखो ऑस्कर अवार्ड है तो कुछ भी पूछ सकते हैं मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं मैं तो यही कहूंगा बट एटलीस्ट फर्स्ट पेज वाले जो बेस्ट पिक्चर है एक्टर है एक्टर इन सपोर्टिंग एक्टर इन लीडिंग एक्ट्रेस एनिमेटेड फीचर फिल्म सिनेमेटोग्राफर खैर नहीं पूछते कॉस्ट्यूम डिज़ाइन पूछ सकते हैं डायरेक्टिंग पूछ सकते हैं डॉक्यूमेंट्री पूछ सकते हैं शॉर्ट सब्जेक्ट पूछ सकते हैं फिल्म डायरेक्ट एडिटिंग इतना नहीं पूछते इंपॉर्टेंट नहीं है ये पूछ सकते हैं ठीक है मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है ठीक है ये पूछ सकते हैं म्यूजिकल पूछ सकते हैं ठीक है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी मतलब मैं इसमें कुछ हेल्प कर नहीं सकता आपके ठीक है ओके सो so, ये हैं आपके कुछ और ये खैर इस पेज में मुझे नहीं लगता है, इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट फिल्म फिल्म है थोड़ा इंपॉर्टेंट चलो आगे चलते हैं भाई कौन है ये लवजेन अल हथलोल वाह सुंदर चेहरा टॉप यूरोपियन राइट्स प्राइज ओके सो यहाँ पर राइट्स के लिए राइट्स okay, अच्छा, के लिए ह्यूमन राइट्स के लिए अवॉर्ड दिया गया ठीक है वॉज अवार टॉप यूरोपियन राइट्स प्राइज साउदी की है ये नाम है इनका एंड वी प्रेस्टीजियस एर्थ वकलैव है्यूमन राइट्स प्राइज बाय दार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप यूरोप के द्वारा सऊदी की लउजेन को यहां पर दिया गया है अवार्ड ओके सो so, यहां पर आपका यह दिया गया है अवार्ड ठीक है दिस अवार्ड वॉज गिवन इन रिकॉग्नेशन ऑफ हर फाइट फॉर वीमेन्स राइट इन द किंगडम इंक्लूडिंग हर एफर्ट्स टू एंड अ बैन ऑन दुमेन ड्राइविंग ओके सो हाल ही में व्यूमेन ड्राइविंग के अगेंस्ट जो यहां पर बैन लगाया गया था उसी को यहाँ पर इन्होंने राइट्स के फॉर्म में की वीमेन का राइट है अधिकार है और लेकर दिया उन्होंने वक्लाव हैवल ह्यूमन राइट्स प्राइज वाज नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर चेक डिसिडेंट एंड लेटर प्रेसिडेंट वक्लाव हैवल के नाम से जो चेक के यहाँ पर प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनके नाम पे रखा गया है ओके चलिए ओके सो ये बहुत बढ़िया सुंदर सी न्यूज थी ओके यार खूबसूरती की तारीफ करनी चाहिए क्या मतलब क्या हो गया अगर मैंने तारीफ कर दी सुंदर है तो है क्यों नहीं करनी चाहिए है ना कुछ लोग उसको फ्लर्ट कहते हैं कुछ लोग कहते हैं यार मतलब मान लो सामने से यहाँ पर कोई लड़की आ गई ठीक है चलो मुझसे पढ़ती है मान लीजिए ठीक है स्टूडेंट है मेरी तो एक मैंने उसको मान लीजिए यार यू आर सो ब्यूटीफुल तो इसका मतलब ये थोड़ी ना यार मैंने फ्लर्ट किया उसके साथ मैंने जस्ट एक तारीफ की है उसकी वाकई में अगर कोई खूबसूरत तो उसकी तारीफ करनी चाहिए ना तो क्या हो गया उससे चाहे वो आपकी बेटी हो चाहे वो आपकी पत्नी हो चाहे वो कोई और हो कुछ भी हो यार अच्छा लगता है सामने वाले को अगले को फील होता है कि हाँ यार मुझसे मतलब एक कितने प्यार से पोलाइट से बात की राइट तो एक ना हमेशा गलत मत लिया करो चीजों को राइट ओके चलो गवर्नमेंट अपॉइंटेड इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ एज द डायरेक्टर ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई सो यहां पर आपका आरबीआई के ने आपके अपॉइंट किए हैं डायरेक्टर ओके okay. सो ये अपॉइंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया सॉरी अजय सेठ को द अफेयर सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज द ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं उन्होंने तरुण बजाज की जगह ली नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर और भी बहुत सारे हैं ये नाम सबका सबका लिखा हुआ है यहाँ पर जिसमें आपके अजय सेठ को अभी अपॉइंट किया गया है जगह ली है तरुण बजाज की तरुण बजाज का नाम हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था जब वहां पर हमने पढ़ा था कि उनको रेवेन्यू सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है इनका जो टेन्योर रहेगा वो चार वर्षों का रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के तहत अपॉइंट डायरेक्टर्स होते हैं गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर होते हैं और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर में ये नाम है और किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं यहां पर लिखा हुआ है राइट सो ये है नाम इनका अजय सेठ राइट नेक्स्ट चलते हैं हम आ, इंडियन क्रिकेटर रविंदर जडेजा अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसिडर ऑफ दी एस ओके सो यहां पर आपका इंडियन क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ब्रांड एम्बेसिडर एसएक्स एस सिक्स यहां पर अपॉइंट किए गए हैं ओके सो जैपनीज स्पोर्ट्स ब्रांड एसिक्स हैज अपॉइंटेड इंडियन क्रिकेटर रविंदर जडेजा उनके ब्रांड एम्बेडर हीज ऑलराउंडर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एंड चेन्नई सुपर किंग्स बॉलीवुड एक्टर ट्राइगर श्रॉफ भी यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर है जापान बेस्ड ये कंपनी है एसिक्स ओके जूतों की कंपनी है स्पोर्ट्स ब्रांड है आपका स्पोर्ट्स शूज बनाती है काफी महंगे महंगे जूते होते हैं रविंदर जडेजा ने फोर ट्वेंटी फाइव विकेट्स ले चुके हैं और चार हजार रनस भी बना चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में ठीक है और अंडर 19 क्रिकेट में हमारे वाइस कैप्टन भी एज ए वाइस कैप्टन भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं अंडर 19 क्रिकेट टीम को रविंदर जडेजा सर बोलते हैं इनको नॉर्मल भाषा में सर रविंदर जडेजा ऐसा करके पुकारा जाता है इनको टाइगर श्रॉफ रविंदर जडेजा एस सिक्स कंपनी फोर ट्वेंटी फाइव विकेट्स एंड फोर थाउजेंड रन राइट नेक्स्ट चलते हैं हम हा ये है वन वेब यार पिक्चर ही बड़ी शानदार रहते तो यार मतलब पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही इतनी अच्छे से बट मुझे शानदार पिक्चर लगी भाई साहब मतलब वो रोड जा रही है उसके उधर जंगल पीछे पहाड़ पीछे वन वेब ने लॉन्च किया छत्तीस एल ई ओ सेटेलाइट फ्रॉम दी रशिया ओके एल ई ओ यानी कि लॉ अर्थ ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट मीडियम अर्थ ऑर्बिट और भी बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं वैसे हमारे यहाँ पे ठीक है पढ़ाने को वो भी मैं सोच रहा था पढ़ा दूँ बट यहाँ पर वो मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि वो बहुत टिपिकल सा सर का टॉपिक हो जाएगा ठीक है सो so, टाइम भी कंज्यूमिंग हो जाएगा नीड नहीं थी सो थर्टी सिक्स सेटेलाइट ऑफ वन वेब लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑपरेटर वर लॉन्च इन टू एन ऑर्बिट बाय द एरियन स्पेस रॉकेट फ्रॉम दी वॉस्तोचीनी कॉस्मोड्रोम एंड रशिया ओके यहाँ पर रशिया से यहाँ पर लॉन्च किया गया वन वेब ने OneWeb, आपको याद होगा अभी हाल ही में वन वेब ने साइन किया था एमओयू कजाकिस्तान के साथ याद है कजाकिस्तान के साथ साइन किया गया था, right. और ये OneWeb यहाँ पर fast broadband service भी लॉन्च कर रहा है इंडिया में बाय जून 2022 इसने किया है और यहां पर वन वेब की सैटेलाइट लॉन्च की गई है टू ऑफर ब्रॉडबैंड सर्विसेज अक्रॉस यूके अलास्का नॉर्दर्न यूरोप ग्रीनलैंड आइसलैंड सी एंड द ओके okay, सो so ये अगर आप कंट्रीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना यूके अलास्का नॉर्दर्न यूरोप ग्रीनलैंड आइसलैंड सी एंड द कनाडा, ये सारी के सारे ना ऊपर वाले हिस्से की हैं जो ऊपर वाला हिस्सा है ना ग्लोबल ग्लोब का हमारा ये सारे ऊपर वाला जो हिस्सा है ना ये वाली सारी कंट्रीज़ हैं ये वाली ठीक है सो इट विल टेक वन वेब टोटल इन ऑर्बिट कॉन्स्टोलेशन टू वन एट्टी टू सेटेलाइट वन एट्टी टू से झुंड बना देगा आपका कॉन्स्टोलेशन विच वुड फॉर्म पार्ट ऑफ वन वेब सिक्सलाइट फ्लीट फॉर प्रोवाइडिंग हाई स्पीड लो लेटेंसी ग्लोबल कनेक्टिविटी ओके सो ये आपका किसके द्वारा किया गया है लॉन्च ये पूछा जा सकता है वन वेब के द्वारा किया गया है ये आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है वन वेब सीईओ एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन एंड हेडक्वार्टर इज देयर चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम रमजान में एक मौत इनकी पहली स्टोरी थी और अभी भी कुछ ऐसा ही चल रहा है और उनकी मृत्यु हो गया जिनके द्वारा ये लिखी गई थी आ, ये हैं आपके हिंदी राइटर पद्मश्री विजेता आ, विजेता नहीं कही पद्मश्री इन्होंने इनको सम्मानित किया होगा पद्मश्री से मंजूर जी ओके मंजूर जी इनको अभी हाल ही में निधन हो गया इनको इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा 2003 में पद्मश्री दिया गया था और रमजान में एक मौत उनकी पहली कहानी थी आ, ये है ऑस्ट्रेलिया के आपके स्विमर एंड ओलंपियन जॉन कॉनरेड्स जॉन कॉनरेड्स इनका हाल ही में निधन हो गया ऑस्ट्रेलियन स्विमर ओलंपिक गोल्ड मेडल जॉन कॉनरेड्स पास अवे एट ऑफ एट सिडनी और इन्होंने क्या क्या अचीव किया है ये लिखा हुआ है जस्ट किस लिए फेमस थे ही वॉज इंडक्टेड इन स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम इन 1984 बहुत सारे ब्रॉन्ज मेडल गोल्ड मेडल यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत चुके हैं और एक बार जब इनकी 15 साल भी उम्र नहीं थी तब इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एंड ट्वेंटी सिक्स इंडिविजुअल फ्री स्टाइल स्विमिंग इवेंट्स बिटवीन दो सौ मीटर एंड पंद्रह सौ मीटर इवेंट में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बना चुके हैं ओके okay, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ आगे ऑस्ट्रेलिया के हैं नाम याद रखेगा हाँ शायद कल या परसों हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें आपका इंडियन आर्मी ने एमओयू साइन किया था एचपीसीएल एंड दी एन डी के साथ लेह में शायद कल ही पढ़ी थी हमने जब हमने पूरी पूरी पिक्चर को अच्छे से एनालाइज किया था याद होगा आपको है ना तो उस न्यूज में एक एडिशनल फैक्ट है ठीक है एडिशनल फैक्ट है उसमें और एडिशनल फैक्ट क्या है उस न्यूज़ में उसमें एडिशनल फैक्ट ये वाला है उसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है उसमें मैंने बताया था इंडियन आर्मी ने साइन किया।, किया था ठीक है कवर कर लेना ऑलरेडी कंप्लीट न्यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि फायर एंड फ्यूरी कोब्स ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन आर्मी ये एक इंपॉर्टेंट है कि इंडियन आर्मी के अंडर फायर एंड फ्यूरी जो है, उसने वो की है इंडियन आर्मी टेस्ट को कर लिया होगा नहीं किया तो कर लेना बहुत अच्छा एक बेनिफिट आने वाला है बता दूंगा एक दो दिन तक अनाउंसमेंट हो जाएगी उसकी आपकी जिन्हों को जो एनुअल सब्सक्राइबर है उनके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा और आप जुड़े रहिए इसमें कोई डाउट है मॉक टेस्ट से रिलेटेड तो पूछ सकते हो मैंने खैर कल की एक वीडियो कल की आपने वीडियो देख ली या नहीं देखी अगर नहीं देखी तो जरूर देख लेना कल की अगर जो मैम ने सेशन लिया था उसमें वीडियो देखी या नहीं देखी वो देख लेना अगर मैम को नहीं देखना पसंद तो मुझे देख लेना क्योंकि उस वीडियो में मैं भी था अगर मुझे देखना नहीं पसंद तो पहले वाला पार्ट देख लेना अगर मैडम को देखना पसंद है आप लोगों को ठीक है मैडम भी बहुत खूबसूरत हैं तो खूबसूरती की तारीफ करनी चाहिए हमारी बीवी कौन सी कम है ना तो वो सबसे अच्छी हैं ओके सो कवर करना पड़ता है क्या आप तो सुन नहीं रही हो लाइव क्लास हमारी तो इसलिए कल की वीडियो अगर एस बी क्लर्क ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वं की स्ट्रैटेजी की नहीं देखी है तो जरूर देख लेना और रात को दस बजे एम सी क्लास में आना जरूर भूलना मत एंड देख ली तो कैसी लगी ये जरूर बताओ क्योंकि एक बहुत ही मेहनत के साथ वो वीडियो बनाई गई थी और मैंने भी कुछ बातें उसमें करी थी आपसे राइट right. और भाई 200 किसने दे दिया आई क्या हो गया भाई ज्यादा पैसे आ गए क्या किसी को मोकटस गिफ्ट दे दे भाई मेरे जिसको जरूरत है दो सौ रुपए में एसबीए कलर का प्रीलिम्स लेवल का मोकटस मिल जाएगा वो दे दे भाई जिस दिन मुझे लगेगा ना उस दिन मैं अपने आप बोल दूंगा यार मुझे जरूरत है दे दो ठीक है प्लीज मत करो इससे बढ़िया 225 रुपए में वो किसी का मॉक लेके दे देते वो एसबीए कलर का किसी का भला हो जाता ओके मैं वाइज ऑफ 225 में गिव अवे भी नहीं कर सकता मैं कहूंगा यार कोई किसी एक बंदे को दो तो एक बंदा नाइंसाफी हो जाएगी वो तुम चूज कर लो ठीक है चलो चलो आई सपोर्ट कभी तुम्हारा मन हो ना किसी को आई बी एस बी आई क्लर्क की गिफ्ट करने का कि सर एस बी आई क्लर्क का किसी को मॉक टेस्ट गिफ्ट करना है प्रीलिम्स लेवल का मुझे बता देना मैं उसको फ्री में दे दूंगा ठीक है मैं उसको दे दूंगा ऐसे ही बता देना तुम्हारे बिहा पर तुम्हारा नाम लेके दे दूंगा आई सपोर्ट ने गिफ्ट दिया था ठीक है उसको कुछ नहीं चार्ज लूँगा बट बंदे का नाम बता देना ई मेल आई डी दे देना उसकी मैं करवा दूँगा उसको उसका मॉक टेस्ट ठीक है उसका मॉक टेस्ट मैं अवेलेबल करवा दूँगा उसको टेक केयर फिर से दो दे दिया पागल हो गया क्या चलिए टेक केयर बाय एंड सी यू गन मिलते हैं फिर आपसे मुलाकात करते हैं रात को दस बजे के सेशन में आना मत भूलिएगा और किसी को कोई मॉक टेस्ट से रिलेटेड डाउट है तो बताना मुझे किसी को कोई मॉक टेस्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो बताना मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हो आप मुझसे अगर मॉक टेस्ट आपको खरीदना है कुछ करना है कोई डाउट है क्या है क्या नहीं है जिसको नहीं है तो बेझिझक ट्रस्ट करके खरीद लो मज़ादार है ठीक है और आपको बिल्कुल सेट पैटर्न के साथ बहुत जल्दी क्वेश्चंस भी आने वाले हैं जो जो आपको एक नीड है आपके अगर प्रैक्टिस के लिए फॉर योर अपकमिंग एस बी का क्लर्क लव यू ऑल टेक केयर बाय एंड कैच यू अगेन रात को दस बजे मुलाकात करते हैं थैंक यू सो मच लव यू ऑल